गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग चैप्टर पढ़ चुके थे। पीछे कुछ अच्छे बिजनेस स्टोरीज भी पढ़ चुके थे, और जैसा कि पिछले वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी हम लोग एक अच्छे से बिजनेस मोटिवेशनल स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरीज है श्री महिला गृह उद्योग लज्जत पापड़ की। द स्टोरी ऑफ श्री महिला गृह उद्योग लज्जत पापड़ इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर वुड बी मैनेजर्स। जिनको भी भविष्य में मैनेजर्स बनना है उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। यह दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी किसी भी बिजनेस को काफ़ी बड़ा बना सकता है, और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके कि इंटरेस्ट बिजनेस में होते हैं उनको सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बना सकता है। तो द स्टेक होल्डर्स आर वेरियस वुमेन हु नंबरिंग ओवर द 45,000 आर गिवन द टास्क ऑफ मेकिंग वेरियस वुमेन हु नंबरिंग ओवर 45,000 द स्टेक होल्डर्स आर वेरियस वुमेन। कितने वुमेंस थे इसमें? नियर अबाउट 45,000 वुमेंस मिल करके इस महिला गृह उद्योग को चलाते हैं। यही इनके स्टेक होल्डर्स हैं जिन लज्जत पापड़ आर वेरी फेमस फॉर देयर क्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड विद अ मॉडेस्ट लोन ऑफ ₹80 के लोन से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस। फ्रेंड्स, ₹80 के केवल लोन, वो भी लोन लेकर के, खुद का उनका पूंजी नहीं था, उससे बिजनेस स्टार्ट किया गया। केवल महिलाओं के ऊपर मैक्सिमम ये बिजनेस निर्भर करता है। 45,000 महिलाएं मिल करके इसको बनाती हैं, और नाउ वर्थ अराउंड ₹650 करोड़ का इसका बिजनेस है, इनकी कंपनी है। और इट एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स 60 करोड़ रुपीज़ हर साल। इंडिया में तो ये बेचते ही हैं, करीबन 60 करोड़ के वो पापड़ एक्सपोर्ट भी करते हैं। देयर एक्सपोर्ट्स आर मेड थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स टू कंट्रीज़ लाइक यूके, यूएसए, मिडल ईस्ट, मैक्सिमम इन तरीके हांगकॉन्ग, हॉलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। वन द मेन रीजन्स फॉर देयर सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू देयर कोर वैल्यूज टू विच दे हैव स्टक टू सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1959। इट हैज़ शोन हाउ इट इज़ पॉसिबल टू कम्बाइन गांधीयन वैल्यूज़ विद बिजनेस। इन्होंने ये करके दिखाया है, हालांकि इनकी कोर वैल्यूज़ जो होती है इनके सक्सेस का कारण है, और इंसेप्शन मतलब 1959 में इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस, और इन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि गांधी जी के जो वैल्यूज़ हैं उसको बिजनेस में कैसे एक्सेप्ट करके भी बिजनेस को बड़ा बनाया जा सकता है। महिला गृह उद्योग लज्जत पापड़ इज अ सिंथेसिस ऑफ 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। 3 इनके मूल वैल्यूज़ हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोशन। All these concepts are uniformly followed in this situation. As a result of this synthesis, a peculiar Lijjat way of thinking has developed therein. इनके वे ऑफ थिंकिंग का एक नाम भी दे दिया गया, लज्जत वे। ठीक है, जब कोई चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है तो ब्रांड ही उस चीज़ का पर्याय बन जाता है। तो जितने भी इनके कॉन्सेप्ट हैं वो उनके उन सबको मिला करके एक नई थिंकिंग का जन्म हुआ। और बिसाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जैसे मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। द इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग ऑल विद ऑल इट्स मेंबर सिस्टर्स, उन वो अपने मेंबर्स जितने भी उनके वर्कर्स होते हैं उनको लोग मेंबर सिस्टर्स कहते हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया इस कॉन्सेप्ट को कि ये म्यूचुअल फैमिली है, उनकी अफेक्शन है, कंसर्न, ट्रस्ट, जिनका काफ़ी भरोसा है। ऑल द अफेयर्स इंस्टीट्यूशन के जितने भी अफेयर्स होते हैं, ठीक है, वो इस मैनर से डील किए जाते हैं जैसे फैमिली में अपने घर के मेंबर्स को, मेंबर्स के साथ या घर के मैटर्स को डील किया जाता है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर डिवोशन की बात है, सब लोग डिवोटेड हैं। ठीक, संस्था पहले है, पर्सनल चीज़ें बाद में हैं। For the member sisters, employee and well-wishers, the institution is never merely a place to one's livelihood. ये केवल उनके जीविका कमाने की जगह नहीं है। It is a place of worship to devote one's energy not for his or own benefit but for the benefits of all. ये एक काम कर मतलब पूजा करने की जगह है, ठीक है, कार्य पूजा करने की जगह है, जहाँ पे लोग अपनी ऊर्जा को इस चीज़ में लगाते हैं, केवल अपने बेनिफिट के लिए नहीं, जो सबके बेनिफिट के लिए हो। ठीक, तो लज्जत प्रोवाइड स्कॉलरशिप, और जितने भी उनके मेंबर सिस्टर्स हैं उनके बच्चे जो पास आउट होते हैं,
टेंथ में, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में, उस सारे लेडी मेंबर्स को इनक्रेज करने के लिए, उनके चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए ये अपनी ये संस्था जो है अपने मेंबर सिस्टर्स के बच्चों को स्कॉलरशिप भी देती है। ठीक, तो इट इज़ वेरी मोटिवेशनल स्टोरी। ठीक है, इसमें ये बात को दर्शाया गया है कि बिज़नेस को केवल बिज़नेस के तरीके से नहीं, सोशल तरीके से भी करते हुए हम प्रॉफिट कमा सकते हैं और लाखों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। ठीक, लाखों हज़ारों लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो नाउ कम्स टू फ्रेंड्स आवर मेन टॉपिक, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट्स के पहले स्टार्ट करने से पहले हम F.W. टेलर, ठीक, जिनका के पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक, फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है शॉर्ट बायोग्राफी, तो पूरा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तो अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें के पढ़ लेते हैं। क्योंकि लाइफ टाइम, जैसे मार्च 20, 1856 में वो जन्म हुआ था और 21 मार्च 1915 में उनकी डेथ हुई थी। प्रोफेशन था कि सबसे बड़ी बात, बाय प्रोफेशन ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, मैनेजमेंट की नहीं, ठीक है, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टीवंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1883। और इन्होंने अप्रेंटिस मशीनिस्ट का काम किया, एग्जीक्यूटिव का काम किया, फिर स्टील कंपनी में काम किया, प्रोफेसर भी रहे, ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के प्रेसिडेंट भी रहे। इन्होंने कई सारे बुक्स भी लिखी है, जैसे नोट्स ऑन बेल्टिंग, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ठीक है, द पीस रेट सिस्टम इन जून 1895, इस तरीके काफ़ी चीज़ें लिखी हैं इन्होंने। इनके और स्टोरीज़ के बारे में, कंट्रीब्यूशंस के बारे में देखा जाए तो फॉल सबसे बड़ी बात की द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 1911 में पब्लिश्ड हुआ, ठीक है, ये काफ़ी बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। अब चलते हैं इनके थोड़ा सा लाइफ हिस्ट्री पे, कि अभी ये जो शॉर्ट बायोडाटा हो गया है, अब ये कैसे थे, क्या था, इन्होंने कैसे डेवलप किया, मैकेनिकल इंजीनियर से कैसे ये मैनेजमेंट का प्रोफेसर बन गए, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है, और मैनेजमेंट राइटर बन गए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट रिफर्स टू एन स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट रिफर टू एज अ क्लासिकल स्कूल। जैसा कि हम लोग ने हिस्ट्री ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि हम लोग जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल स्कूल थॉट्स है, उसके रिलेटेड दो राइटर्स के प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये दोनों क्लासिकल से रिलेटेड हैं। द अदर टू स्ट्रीम्स बिलोंगिंग टू द क्लासिकल स्कूल्स आर फेवल एडमिनिस्ट्रेटिव। तो क्लासिकल स्कूल में भी तीन स्ट्रीम्स थे जो कि मेन स्ट्रीम्स थे। तो पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, दूसरा फेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, जो कि वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, और मैक्स वीबर की जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है वो हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हु सॉट टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इन 1870 ही बिकेम एन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट। अप्रेंटिस उसको कहते हैं जो कि नया नया सीखने के लिए जाता है, प्रशिक्षु, ठीक है, लर्निंग फैक्ट्री कंडीशंस एट द ग्रास रूट्स लेवल। उन्होंने सबसे नीचे से फैक्ट्री कंडीशंस को सीखना स्टार्ट किया। ही अर्नड अ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ही वॉज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल लीडर्स ऑफ द एफिशिएंसी मूवमेंट एंड वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल टू रीशेपिंग द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, सबसे बड़ी बात कि ये एकदम ग्रास रूट लेवल से इन्होंने जॉब स्टार्ट किया। इन्होंने एफिशिएंसी को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ मूवमेंट, एक तरीके से एफिशिएंसी मूवमेंट चलाया। इन्होंने काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को डेवलप किया कि जिस तरीके से काम में एफिशिएंसी आ सके, एफिशिएंसी मीन्स कम से कम दाम में प्रोडक्शन हो सके। ठीक, यू मस्ट अप्रिशिएट दैट ही बिलोंग टू द एरा ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये किस एरा से बिलोंग करते थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बिलोंग करते थे, और इनका मेन एम था कि मास प्रोडक्शन करना। सबसे बड़ी बात कि दैट एवरी न्यू डेवलपमेंट टेक सम टाइम टू बी परफेक्टेड। ठीक है, कोई भी नया कुछ अगर करेंगे तो उसमें कुछ समय लगता है परफेक्ट बनने में, पहले तो कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइशें हमेशा ही रहती हैं। तो टेलर्स कंट्रीब्यूशन मस्ट बी सीन इन द लाइट ऑफ द एफर्ट्स मेड टू परफेक्ट द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इनका काम क्या था, तो इनका काम था कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि जो एफर्ट्स थे इनके क्या थे, कि टू मेक परफेक्ट द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। टेलर थॉट बाई साइंटिफिकली एनालाइजिंग द वर्क्स
इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। वो कोई भी काम करने के कई तरीकों को पहले खोजते थे और उनमें से जो बेस्ट होता था उसको वो इस्तेमाल करना चाहते थे। ठीक, ही इज़ मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज टाइम एंड मोशन स्टडीज़। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने जाते हैं या याद किए जाएंगे, तो ही इज़ मोस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज टाइम एंड मोशन स्टडीज़। तो टेलर बिलीव दैट कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट वॉज एमेच्योरिस। ये टाइम ऑन मोशन स्टडीज़ जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। टेलर्स बिलीव दैट कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट वॉज एमेच्योरिस एंड शुड बी स्टडीज एज अ डिसिप्लिन। ही ऑल्सो वॉन्टेड दैट वर्कर शुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट एंड दस देयर वुड बी नो नीड ऑफ ट्रेड यूनियंस। उनका क्या बिलीव था कि वर्कर्स को मैनेजमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक, इसीलिए उनका एक बिलीव और भी था कि वहाँ ट्रेड यूनियन जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड यूनियंस की। ठीक, फिर से हम रिपीट करते हैं। ही बिलीव दैट कि वर्कर शुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट एंड देयर शुड नॉट बी एनी नीड ऑफ देयर शुड नॉट बी और देयर इज नो नीड ऑफ ट्रेड यूनियंस। ठीक है, होना नहीं चाहिए और ज़रूरत भी नहीं है उसकी। बेस्ट रिजल्ट वुड कम फ्रॉम द पार्टनरशिप बिटवीन अ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट एंड अ कोऑपरेटिव एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स। सबसे बेस्ट रिजल्ट कब आ जाएगा, जबकि ट्रेंड और क्वालिफाइड मैनेजमेंट रहेंगे और कोऑपरेटिव और इनोवेटिव वर्कफोर्स रहेगा। ठीक है, ईच साइड नीडेड द अदर, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। ही इज़ नोन फॉर कॉइनेज ऑफ द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने इस टर्म का मीन्स एक तरीके से इन्वेंशन किया। ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पब्लिश इन 1911। ठीक है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, आफ्टर बीइंग फायर्ड फॉर बेथलहम स्टील कंपनी ही रोट अ बुक शॉप फ्लोर विच सोल्ड वेल। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा शॉप फ्लोर जो कि बहुत ज़्यादा बिका। ही वॉज सेलेक्टेड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स थे उनकी सोसाइटी के चेयरमैन भी चुने गए। ही वॉज अ प्रोफेसर एट टक स्कूल ऑफ बिजनेस एट डार्टमाउथ कॉलेज फाउंडेड इन 1900। इन 1884 ही बिकेम एन एग्जीक्यूटिव एट मिडवेल स्टील कंपनी बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज लीडरशिप। अपनी लीडरशिप के बदौलत ये एग्जीक्यूटिव बन गए। ठीक है, इंजीनियर से। ही इंस्ट्रक्टेड हिज फेलो वर्कर्स टू वर्क इन फेजेस। इन्होंने अपने वर्कर्स को फेजेस में वर्क करने की सलाह दी। इन्होंने बेथलहम आयरन कंपनी को ज्वाइन किया 1898 में, विच लेटर बिकम द बेथलहम स्टील कंपनी, जो बाद में स्टील कंपनी में कन्वर्ट हो गई। ही वॉज ओरिजिनली एम्प्लॉयड टू इंट्रोड्यूस पीस रेट वेज सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग हमेशा पढ़ेंगे कि इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया ही मीन्स की ही इंट्रोड्यूस द पीस रेट वेजेस सिस्टम। ठीक है, पीस रेट वेजेस सिस्टम। After setting up the wage system, he was given authority and more responsibility in the companies. ठीक है, इस सिस्टम के लाने के बाद लोगों का भरोसा और बढ़ा कंपनी का, इन्हें और भी ज़्यादा responsibilities या authorities दी गई। In 1900, Bethlehem was show place for inventive work. Unfortunately, the company was sold to another group. ठीक है, unfortunately कभी ये कंपनी आगे जा कर के ये किसी दूसरे कंपनी के हाथों बिक गई और उन्हें फिर हटा दिया गया। In 1910, his health started to fall and he died in 1915 due to the pneumonia. निमोनिया के कारण इनकी डेथ हो गई 1915 में। This was his the life history of F.W. Taylor. ठीक फ्रेंड्स, अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। इनके जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, चार प्रिंसिपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स दिए गए हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए और इस लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए।